हेलो दोस्तों, बांगलेर खाना पीना चैनल में आप सभी का वार्म वेलकम। आज हम सभी का पसंदीदा एक नाश्ता बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी एवं मज़ेदार होते हैं। छोटे से बड़े सभी लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम खट्टा दही ले लिया है, एक कटोरा उसमें दे दिया है 2 बड़े चम्मच ईस्ट और उसके बाद दिए है गर्म पानी। अब सभी को एक साथ एक हैंड विस्क की मदद से हम फेंट लेंगे। तब तक फेंटेंगे जब तक इसमें झाग ना आ जाए। आ गया है देखिए झाग। अब इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पर लेंगे 500 ग्राम मैदा। हमने 500 ग्राम लिया है, आप लोग घर के अकॉर्डिंग इसको मैदा को ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाते हैं। और उसके बाद हम जो घोल तैयार किए थे दही का, उसी को दे के यहाँ पर इसको हम इस मैदा के एक डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई पानी हम नहीं देंगे, आप लोग चाहो तो थोड़ा सा दूध का यूज़ कर सकते हो। दे दिए देखिए, थोड़ा थोड़ा करके दे के एक स्मूथ डो हम रेडी कर लेंगे। एक ही साथ सभी को मत डाल दीजिए, अगर ज़रूरत हो तभी दीजिएगा। तो देखिए मेरा लग रहा है हम उसी अंदाज से इस घोल को तैयार किया हुआ है, तब भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही दे रहे हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और उसके बाद धीरे धीरे इसको हम एक स्मूथ डो हम बना लेंगे। देखिए मेरा जो लिक्विड हम बना कर रखे थे दही का, वो सभी लग चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मसलते हुए एक स्मूथ डो बना लेंगे। दोस्तों इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से अगर बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बहुत नरम भी बनता है। अब हम यहाँ पर देखिए एक स्मूथ डो बना लिए हैं। अब थोड़ा तेल हाथ में ले के इसके ऊपर ब्रश कर देंगे ताकि ये ऊपर से हवा लगते हुए फट ना जाए, क्योंकि मैदा जो है उसमें अगर हवा लगेगा तो वो सूख जाता है। इसके लिए थोड़ा तेल ब्रश कर लीजिएगा यहाँ पर। और उसके बाद इसको हम ढक्कन देके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे मिनिमम, ताकि डो जो है हमारा फर्मेंट हो जाए। ये देखिए कितना स्मूद डो हम तैयार किया है, इसी तरीके का स्मूद ही होगा। अब हम इसको ढक्कन लगा करके मिनिमम 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए 2 घंटे के बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों 2 घंटे के बाद ये डो जो है फर्मेंट होके कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए पूरा जालीदार बन गया है एकदम से मेरा डो। अब हम इसको फिर से एक थाली में लेके थोड़ा सा हाथ में तेल लेके फिर से अच्छे तरीके से स्मूदली इसको गोंदेंगे। इस मैदा को जितना गोंदेंगे तो ही अच्छा इसका जो टेक्सचर है वो आएगा और इसका जो पूरी है ये वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो आप लोगों का ये जो पूरी या नान पूरी जो भी बोलते हो, इसका टेस्ट निर्भर करता है पूरा आटा के गूंदने के ऊपर और स्मूदनेस भी आटा गूंदने के ऊपर ही निर्भर करता है। तो देखिए आटा हमारा गूंदना कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर छोटा छोटा लेची काट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम नान पूरी बना रहे हैं, इसीलिए पूरी से थोड़ा बड़ा होता है ये लेची। देखिए अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे हाथ के मदद से।
अब कढ़ाई में हमने देखिए तेल पहले से ही गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो दोस्तों कढ़ाई के तेल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसके जो आँच को गैस के मीडियम कर दीजिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, नहीं तो पूरी जो है नान पूरी हमारा जल जाएगा। देखिए कितना स्मूथ मेरा डो जो तैयार हुआ है, कितना अच्छी तरीके से हम बेल लिया है। आप लोग चाहो तो मैदे की मदद से भी बेल सकते हो या तेल की मदद से भी बेल सकते हो इसको। अब हम डायरेक्ट कढ़ाई में दे दिए हैं। दोस्तों इस पूरी को बनाने के टाइम पूरी को एक साथ बेल के रखा नहीं जाता है, एक एक करके बेल के उसको तलना पड़ता है। देखिए कितना अच्छा फूल भी रहा है मेरा जो नान पूरी है। इस तरीके से ज़रूर घर में बनाइए, और कोई भी पनीर की सब्ज़ी, आलू के दम मतलब दम आलू, या कोई अगर फ्राइड सब्जी होगा, सभी के साथ ये नान पूरी जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम इसको चिली सोया के साथ सर्व करेंगे घर में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम सोया चिली का जो रेसिपी है उसको दे देंगे, आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो। देखिए इस तरीके से हम सभी नान पूरी को फ्राई कर लेंगे। आँच को मीडियम पर ही रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, और अगर जल जाएगा तो ये बहुत कड़क भी हो जाते हैं। इसलिए कढ़ाई के तेल को पहले फुल आँच पे गरम कर दीजिए हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसको मीडियम करके आप तलिए। और कोशिश करना कि लोहे की कढ़ाई या नॉन स्टिक की कढ़ाई में इसको तलने की। अब और एक आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं बेल के। देखिए आप लोग चाहो तो दोस्तों इसको हाथ के मदद से ही थोड़ा बेल भी सकते हो, तो भी ये पूरी जो है फूल जाता है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसको एक एक करके बेल के एक एक करके तलना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी बहुत अच्छी तरीके से रेडी होते हैं। इस छोट को या कोई भी उपवास के दिन आप लोग चाहो तो निरामिष ये पूरी घर में बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और नॉर्मल सी पूरी से बहुत अलग भी होते हैं। बहुत बच्चे लोग आराम से खा लेता है, बाहर खाने भी नहीं जाएगा, घर ही में अगर इसको मिलेगा गरम गरम तो। तो दोस्तों मेरा पूरी जो है देखिए कितना फूल रहा है, इस तरीके से फूलने से ही पूरी है बहुत नरम बन के रेडी हो जाएगा। देखिए कितना नरम हुआ है। अब चलिए हम पूरी को सर्व कर लेते हैं सभी को। तो इस छोट ज़रूर बनाइएगा, और कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए, तो तब तक के लिए नमस्ते।